गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आज शाम को फ्लूड का टेस्ट होना है, तो दोस्तों फ्लूड के कुछ मीडियम क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। क्वेश्चंस में आपको केवल ऑप्शन ही दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट में एक सीरीज के रूप में देने हैं। ये क्वेश्चंस वेरी सिंपल हैं। यदि इन क्वेश्चंस का सही आंसर आप दे देते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हार्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। या तो आप जानते ही हो कि फ्लूड से एक या दो क्वेश्चन नेवी या SSR या जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम होता है ज़रूर आते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दाब का सही सूत्र है, द करेक्ट फार्मूला इज प्रेशर। ऑप्शन नंबर वन, P इज इक्वल टू F/A। ऑप्शन नंबर सेकेंड, P इज इक्वल टू F cos θ/A। ऑप्शन नंबर थर्ड, P इज इक्वल टू F sin θ/A। ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। यह है मेरा सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दीवार में कील धंसने का कारण है, देयर इज ए रीजन फॉर द स्पाइक इन द वॉल। ऑप्शन नंबर ए, कम एरिया अधिक क्षेत्रफल, सॉरी कम एरिया अधिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी, एरिया और प्रेशर इक्वल। ऑप्शन नंबर सी, अधिक एरिया कम प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी, नोटी नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा इसमें सही आंसर हो सकता है कमेंट में बताएं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्रव स्तंभ को ऊपर की ओर ले जाते हैं और उसका क्षेत्रफल दोगुना कर दें तो दाब होगा। इफ ए फ्लूइड मूव्स द कॉलम अपवर्ड एंड डबल इट्स एरिया द प्रेशर विल बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 गुना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आधा। ऑप्शन नंबर थ्री, अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर फोर्थ, 2 गुना। तो आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। यह है मेरा चौथा क्वेश्चन, जल का घनत्व होता है, वाटर हैज डेंसिटी। ऑप्शन नंबर वन, 10³ kg/cm³। ऑप्शन नंबर बी, 977 kg/m³। ऑप्शन नंबर सी, 10³ kg/m³। ऑप्शन नंबर डी, 996 kg/m³। तो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी और SSR में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, श्यानता गुणांक का मात्रक है, विस्कोसिटी इज अ यूनिट ऑफ कोफिशियंट। ऑप्शन नंबर वन अर्ग, ऑप्शन नंबर बी डायन, ऑप्शन नंबर सी पॉइज और ऑप्शन नंबर फोर नॉन ऑफ दीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यदि जल का दाब बढ़ा दें तो श्यानता, विस्कोसिटी इफ वाटर प्रेशर इंक्रीजेस। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन पर। बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों कौन सा हो सकता है आंसर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्षा की बूंदों का सीमांत वेगों का अनुपात 1:4 है, उनका द्रव्यमानों का अनुपात होगा। इफ द रेशियो ऑफ रेन ड्रॉप्स टू द
मार्जिनल वेलोसिटी इज 1:4 देन रेशियो ऑफ देयर मास विल बी। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1:4, ऑप्शन नंबर सेकंड 1:2, ऑप्शन नंबर थर्ड 1:16, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1:8। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, तो दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद जो नेवी के एग्जाम आ रहे हैं शायद उनमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्त आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, दो समान वर्षा की बूंदों 20 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से एक साथ गिर रही हैं। यदि दोनों बूंदें संयुक्त तो होकर एक हो जाती हैं तो उनका सीमांत वेग होगा। दोस्तों जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलते हैं ऑप्शन पर। फर्स्ट ऑप्शन 20 मी, फर्स्ट ऑप्शन 40 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 20 × 2 की पावर 1/3, थर्ड ऑप्शन 20 × 4 की पावर 1/3 और फोर्थ ऑप्शन 40 × 4 की पावर 1/3। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, दाब शीर्ष की विमा है, प्रेशर इज डायमेंशन ऑफ द टॉप। फर्स्ट ऑप्शन ML-1T-2, ऑप्शन बी M0L0T0, ऑप्शन सी M0L1T0, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट में बताएं। यदि आपको इस वीडियो का सोल्यूशन भी चाहिए तो मैं इसको तो इन क्वेश्चनों का सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको सलूशन चाहिए तो कमेंट में लिख दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज नली में हो तो, इफ अ फ्लूइड फ्लो इनटू द हॉरिजेंटल ट्यूब। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वेग बढ़ेगा और दाब घटेगा। ऑप्शन नंबर बी, दोनों बराबर होंगे यानी दाब और वेग बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ेगा और वेग बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल का पृष्ठ तनाव व ताप में सही संबंध है। इसके आगे जो दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, जल का पृष्ठ तनाव व ताप में सही संबंध है। वाटर हैज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर। चलते हैं ऑप्शन पर और देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 0.072 पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 0.072 पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0.072 पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 0.072 पर 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों कौन सा हो सकता है आंसर राइट कमेंट में बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जल का पृष्ठ तनाव शून्य होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं ऑप्शन पर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए 576 केल्विन पर, ऑप्शन नंबर बी 993 केल्विन पर, ऑप्शन नंबर सी 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन डी 643 केल्विन पर। दोस्तों मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि छोटा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग खिला देने वाला क्वेश्चन है, एक रटने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन क्या है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आंसरों की एक सीरीज बनाकर कमेंट करें। यदि आप इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बहुत ही सिंपल थे। अगर आप मुझे रिस्पांस दे रहे हैं तो मैं आपको जो इसके हार्ड क्वेश्चन हैं वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा।
यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर डिफेंस के एग्जाम में कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो हार्ड क्वेश्चन हैं या जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो ज्यादा टफ क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो सभी को पता होते हैं। तो दोस्तों अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त फ्लूड के टफ एंड हार्ड क्वेश्चनों के साथ। गुड बाय दोस्तों।